इंसाफ देने से पीछे हट जाए या तो वो प्रेशराइज करते हैं वो ये जो जो, जो न्यूट्रल्स कहते हैं इनके प्रेशर में मार्शल लॉ लगता है ये तोड़ देते हैं और या फिर ये जो दो माफिया खानदान है हम याद कराना चाहता हूं इस मुल्क इस कौम को इन्होंने इस मुल्क की तारीख में वाहिद डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जस्टिस सजाद अली शाह की रेपुटेशन सारी जुडिशरी जानती है एक दयानेदार आदमी थे उनको भगाया और फिर यह ताड़ड़ जो था पुराना जो ब्रीफ केस लेके गया कोयटा और वहां जजेस को खरीदा गया यह इन्होंने किया वो ये इनकी तारीख है जो नवाज शरीफ था यह जब आज से चालीस साल पहले या यह क्रिकेट खेलता था जमखाना के अंदर सारे लोगों से पूछ लें कि यह मैच खेल के अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था यह ताकि इसको कोई आउट ना दे दे ये ये क्रिकेट भी रोंदी मार के खेलता था इसने कोई काम आज तक ध्यानदारी से नहीं किया इसने कभी भी जुडिशरी को ध्यानदारी से फंक्शन करते नहीं देखा जब वो फोन कॉल है कि शबाज शरीफ कॉल कर रहा है जस्टिस जिसको भी कि जी ये बेनजीर को या रहमान शबाज शरीफ कुछ और सजाएं बता रहे हैं कि जज साहब इनको ये तीन से पांच साल की सजा दी जाए ये इनको वैसे जज चाहिए इनको कभी भी आजाद अदलिया जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे वो कभी भी इनको गवारा नहीं थे और बेटी का भी यही हाल है और अभी शबाज शरीफ भी वही वो, वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट सिर्फ आर्टिकल 224 पढ़ लें आइन का मुझे ये समझा दें कि कैसे नब्बे दिन के बाद कैसे हो सकता कि नब्बे दिन से आगे इलेक्शन जाए सिर्फ पढ़ लें सारी कौम को पता है कि इस वक्त सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दल दल से निकालने का और वो है इलेक्शंस